इसी तरह से मैं रामलला को यहाँ विराजित देख। हर व्यक्ति जानता है कि क्या हुआ था, कैसे 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 क्या क्या हुआ है। इतिहास को गलत आप कैसे सोच रही है या कैसे कहेंगे आप, नहीं कह सकते। बाकी रामलला जाने क्या करना है। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलना बनता है। मैं टीवी के सबसे बड़े राम के साथ बैठी हुई हूँ। हेलो, हाय, एनटी लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और सर का अगर मैं आपको परिचय दूंगी तो फिर क्या फायदा। सर, जय श्री राम। 695 एक फिल्म आ रही है और 695 के टाइटल के बारे में भी हमारी बात हो चुकी है टीम से। क्या उसमें ट्रेलर में देखकर लग रहा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व वाले किरदार में नजर आ रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मेरा जो किरदार है इसमें वो एक संत थे, अभिराम दास जी, उनके चरित्र के ऊपर ये किरदार है। और ये जो संत हैं, बहुत धैर्य है इनमें, बहुत सहनशीलता है, सनातन धर्म को मानते हैं, बहुत उदार उसके हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके जीवित रहते हुए, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, वो ये चाहते हैं कि उनके जीवित रहते हुए रामलला जो है वो विराजमान हो जाए इस ढांचे में। तो उस तरह की वो कहानी है और वो लेजिटिमेट जो उनकी फाइट है जी, कि कोर्ट कचहरी के थ्रू और ये सब को लेजिटिमेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल हर चीज़। तो उस तरह का ये किरदार है जो, और उनकी बेसिक इच्छा बस वही है कि किसी तरह से मैं रामलला को यहाँ विराजित देख लूँ। अच्छा सर, चूंकि एक वीडियो मैंने देखा, कई वीडियोस आपके आते रहते हैं, जब आप जाते हैं तो लोग आपका झुक के प्रणाम करते हैं, राम भद्राचार्य के आंसू आ जाते हैं, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग आपको बहुत मानते हैं। तो जो किरदार आपने यहाँ इसमें किया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि चूंकि इस फिल्म में दूसरे धर्म की भी बात है, उनके ऊपर भी बात है, तो वहाँ की वहाँ उनके मन में भक्ति भावना कम ना हो जाए आपके प्रति? नहीं, अगर फिल्म, देखिए फिल्म अगर ईमानदारी से बनाई गई होती है, ज़बरदस्ती थोपी हुए सीन्स नहीं होते उसमें, थोपा हुआ सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। बिकॉज हर व्यक्ति जानता है कि क्या हुआ था, क्या और कैसे 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 क्या क्या हुआ है। और ये इस तरह का नहीं, बहुत ही जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर इस तरह की लाइनें जो हैं वो जो इनके शिष्य हैं, मेरा जो कैरेक्टर है उसके जो शिष्य हैं रघुनंदन, उन्होंने वो बोली हैं उस तरह की लाइनें। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बात लगेगा कि नहीं, ये बात जो कह रहा है हार्ड हार्ड हिटिंग है, लेकिन बात सही है वो बिल्कुल भी। अच्छा, गलत नहीं लगेगी वो किसी को भी, किसी भी धर्म वाले को वो गलत नहीं लगेगी। अच्छा, बिकॉज ये हुआ है, ये हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास को गलत आप कैसे सोच लेंगे या कैसे कहेंगे आप, नहीं कह सकते। ठीक है, 22 तारीख के लिए आपको इनविटेशन मिल चुका है और दीपिका मैम को भी मिल चुका है और सुनील सर को भी मिल चुका है, तो क्या वापस से हमें वो रामानंद सागर वाले राम लक्ष्मण सीता अयोध्या में नजर आएंगे 22 तारीख को? नहीं, हम तीनों नज़र तो आएंगे, बिल्कुल तीनों, हम तीनों को बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल से मैं तो डेफिनेटली जा ही रहा हूँ। अच्छा, वो लोग भी ज़रूर आएंगे। अब वो कैसे नज़र आएंगे, किस तरह से नज़र आएंगे वो तो नहीं पता भाई। देखिए, वो तो वो भविष्य की बात है और बाकी रामलला जाने क्या करना है उसको। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।